खुशबू और फ्रेग्रेंस में एक बड़ा नाम, वर्ल्ड मोस्ट फेमस मैसूर सैंडल। ऐसा इतिहास मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। कर्नाटका में मैसूर के राजा श्री कृष्ण राजा के द्वारा स्थापित मैसूर सैंडल का व्यापार काफी वहां प्रचलित था और इसी के चलते उन्होंने एक कारखाना स्थापित किया जो कि मैसूर सैंडल की जो है सोप बनाने वाली। खुशबू पूरे के पूरे जो है मैसूर वाली है, फीलिंग्स भी मैसूर सैंडल वाली ही है और हल्का वुडी नोट भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, पूरा चंदन का फॉर्म। मैसूर सैंडल के नाम से जानते हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी मैसूर सैंडल के बारे में, जो कि ये हमारे पास अगरबत्ती एज अ परफ्यूम आपको देखने को मिलेगी और इसी का एक बेस रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में हमारा जो ये मैसूर सैंडल है ये आपकी अगरबत्ती में एक जबरदस्त वाली क्वालिटी देगा या फिर नहीं। और इसके बेस फ्रैग्रेंस के जो बेसिक मीनिंग है या फिर बेसिक जो फ्रैग्रेंस की जो क्वालिटीज है उसके बारे में भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, आगे बात भी कर लेंगे। और इसी के साथ जो है सबसे पहले हम करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। मैं सैंडल से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज आपको देने वाला हूं, साथ ही हमारे अगरबत्ती परफ्यूम्स में इसकी क्या खूबियां है मैसूर सैंडल की, इसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूं। फिर सबसे पहले एक छोटा सा इतिहास मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। कर्नाटका में मैसूर के राजा श्री कृष्ण राजा के द्वारा स्थापित मैसूर सैंडल का व्यापार काफी वहां प्रचलित था और इसी के चलते उन्होंने एक कारखाना स्थापित किया जो कि मैसूर सैंडल की जो है सोप बनाने वाली कारखाने का मतलब एज अ फैक्ट्री वो वहां पे तैयार की गई और वहां पे वर्ल्ड मोस्ट फेमस सोप और अतर्स चंदन की लकड़ियों के साथ उनके ऑयल्स का यूज करके बनाया गया और वहीं से जो है इसकी स्थापना हुई और जहां से ये इनका इतना बड़ा साम्राज्य बना और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा आने लगी। कारखाने के साथ में एक बड़ा ब्रांड नेम जो है निकल के आया जिसे हम KSCDL के नाम से आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा। आपको ऑनलाइन इसके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको मोस्ट फेमस मैसूर के सैंडल्स मिलेंगे जो कि KSCDL एक ब्रांड नेम है जो कि अभी के टाइम पे इसे गवर्नमेंट संचालित करती है और गवर्नमेंट के जरिए से ये चीज़ें चलती हैं। हमें चाहिए तो मैसूर सैंडल वाली अगरबत्ती, तो इसी चीज़ों की जो है डिमांड हम जो है आपकी पूरी करेंगे और इस परफ्यूम के बारे में जो है बात करेंगे। सो फिर कुछ इस तरीके से 500 ग्राम का ये बॉटल देखने को मिलेंगी और कुछ इस तरीके के हमने ये ग्राफिक्स डिज़ाइन किए हैं जिसमें आपको मैसूर की कल्चर से रिलेटेड आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेगी और यहाँ पर नीचे में मैसूर सैंडल देखने को मिलेगा और कुछ बेसिक डिटेल्स आपको परफ्यूम्स के देखने को मिल जाएंगे। सो यहां से हम इसके कवर्स जो है फटाक से ओपन कर लेते हैं। तो अभी तक का हमारा जो सेलिंग है, अभी जिस तरीके से कस्टमर्स ने इसके ऊपर भरोसा किया इसके हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा मैसूर सैंडल बेस्ट तो है ही है और फ्रेग्रेंस के बारे में आगे मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लेते हैं एक बीकर, खाली बीकर, और इसमें कर लेते हैं परफ्यूम को ट्रांसफ़र। सो कुछ किस तरीके से आपको इसके फ्रैग्रेंस के जो बेस लिक्विड है वो देखने को मिलेंगे। और ये देखिए भाई, जो सबसे चीज़ें मैं आपको जो बताना चाहूँ तो इसके जो लिक्विड्स हैं वो काफ़ी अलग हैं। मतलब जितने सारे हमने परफ्यूम्स के रिव्यू किए उसमें बेस येलो कलर आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगी और ये येलो के फॉर्म में आपको इसका जो लिक्विड है ऑयल है वो देखने को मिलेगा। खुशबू पूरे के पूरे जो है मैसूर वाली है, फीलिंग्स भी मैसूर सैंडल वाली ही है और कुछ स्टिक्स हम ट्रायल कर लेते हैं और इसी के साथ में आज इसे हम जला के भी देखेंगे। सैंडल मतलब एक रियल सैंडल की जो नोट्स होते हैं वो जो फ्रैग्रेंस है वो बेस वुडी नोट होते हैं और
इसमें उसके जो टॉप क्लास नोट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। आपने कभी ऑयल्स यूज़ किए होंगे, सैंडला या फिर संडल, और उसके जो बेस ऑयल के जो फ्रैग्रेंस होते हैं उसका एक बेस नोट इसमें से आपको देखने को मिलेगा। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने एक सैंडल, प्योर सैंडल अतर के बारे में आपको बताया था। वीडियोस आपने नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिए। और उसके नोट जो है काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी कॉस्टली वो सैंडल के जो अतर हैं वो, उसके बारे में मैंने बात की हुई थी। और उससे ये लगभग उसके जो नोट्स हैं, एक बेसिक उसमें दूधिया टाइप की नोट थी और एक सैंडल का जो बेस नोट निकल के आता है, थोड़ा वुडी बेस, थोड़ा सा क्रिस्पी नोट मैं जिसे बोलना चाहूँ, और थोड़ा यूनिक और फ्रैग्रेंस में और हल्का वुडी नोट भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। पूरा चंदन का फॉर्म, 100% जो फॉर्म है वो देखने को मिलेंगी। और देखा यह गया है कि चंदन की काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, इसमें से काफ़ी सारे चंदन के ऑयल के बारे में आपने सुना होगा। नॉर्मल जो चंदन निकलने वाला वो अलग हो गया, सफ़ेद चंदन आता है, लाल चंदन आता है, टीका चंदन आता है, और सैफ्रॉन सैंडल भी आजकल आने लग गया है। टीपी का फॉर्म होगा तो ये और अच्छे तरीके से बूस्ट होगा, क्योंकि जो फ्रैग्रेंस को लास्टिंग करने में जो सहायता प्रदान करता है, जो सक्षम बनाता है, वो है हमारा डीपी ऑयल। तो डीपी ऑयल अभी फिलहाल के लिए हमारा खाली ट्रायल बेस है, इसके वजह से हमने यूज़ नहीं किया। अभी प्योर परफ्यूम में हमने डीप किया है, जैसा कि अभी आपके सामने में चीज़ें की गई। और इसकी फ्रैग्रेंस मैं बोलूँ तो साथ में जो है वुडी बेस इसका नोट आएगा, लास्टिंग काफ़ी अच्छी रहेगी, मतलब परफॉर्मेंस जो रहेगा, मतलब एक फैलाव जिसे बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छा इसमें से देखने को मिलेगा। और एंड में आपको मैं बोलना चाहूँ तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर आप एक अच्छे चंदन की तलाश में, एक मैसूर सैंडल की तलाश में है, तो आप इसे ऐड ज़रूर कर सकते हैं अपने अगरबत्ती के लिस्ट में, और एक अच्छा यूनिक ब्रांड को बूस्ट करने के लिए आपके लिए बेटर रिजल्ट ज़रूर देगी। और साथ में मैं इसकी डाइल्यूशन की बात करूं तो इसे बेस हम अगर डाइल्यूशन ले एक प्रीमियम क्वालिटी के लिए, जो कि हमारा बजट भी उसमें इस्टेब्लिश रहे, क्वालिटी भी इस्टेब्लिश रहे, सारा चीज़ मेंटेन रहे, तो 1:5 का रेशियो आपका कहीं नहीं गया है। 1:5 में आप इसे अच्छे क्वालिटी के लिए बना सकते हैं। ब्लैक के लिए 1:1 नीचे कर सकते हैं, 1:4 तक आप ब्लैक, और आपके पास वाइट स्टिक्स हैं, ब्राउनिश स्टिक हैं, कलर हैं, तो 5 मैक्सिमम। तो कुछ इस तरीके से ये था हमारा एक मैसूर सैंडल की एक बेस्ट रिव्यू, जिसमें मैंने चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की। आप इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, और जो लोग पहले से ट्राई कर रहे हैं वो अपना बेस्ट रिव्यू ज़रूर दें।